अमित भाई, लोग यूपी पुलिस और आरपीएफ की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें लोग एग्ज़ाम से पहले रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, बहुत लोग होते हैं जो एग्ज़ाम से पहले ही रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो जैसे ही वैकेंसी आई वैसे ही रनिंग स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि आगे एग्ज़ाम कितने महीने बाद होना है, कितने महीने बाद होना है। तो रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए नहीं चाहिए उसमें पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे कि किसी का अब कोई मॉक टेस्ट दे रहा है या टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर में अपना देख रहा है कि हाँ मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ जा रहे हैं, कि हम हाँ एक कुर्सी के साथ 80% क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, कि मेरा तो उनको लग रहा है कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे एग्ज़ाम। और उनका फिजिकल बहुत डाउन है तो कभी कोई ऐसे लगता है कि दौड़ा ही नहीं रहता और उसे 5 किलोमीटर या 1600 मीटर दौड़ने में उसे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, तो उनके लिए तो वो तो मान लो दौड़ सकते हैं। तो कुछ जो हैं जिनका एवरेज मार्क्स आ रहा है टेस्ट सीरीज में, मॉक टेस्ट दे रहे हैं अपना, तो अब इतना पढ़ने में नहीं सही है, एवरेज हैं, जैसे उनका आप कर रहे हैं तो 60% क्वेश्चन सही हो रहा है, 55 सही हो रहा है, 50 सही हो रहा है, तो भी दौड़ रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें नहीं सही हैं। पहले आप अपना टेस्ट सीरीज में मॉक टेस्ट में अपना नंबर लाइए, अब फिर देखिए जैसे यूपी पुलिस का है 300 का है, तो आप 200 प्लस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, 200 प्लस नंबर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 200 प्लस आ रहा है, 210 आ रहा है, 220 जैसे 220 215 जिसका आ रहा है, तो अगर उसको लग रहा है कि मेरा फिजिकल डाउन है या मैं 5 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता, वैसे तो 5 किलोमीटर दौड़ना इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप जब दौड़ोगे तो 15-20 दिन में लोग भी दौड़ लेते हैं, क्योंकि 25 मिनट का टाइम रहता है तो बहुत ज़्यादा टाइम रहता है। ऐसा नहीं है कि चलो बहुत कम समय में आपको दौड़ना है, कि चलो 17 मिनट मारनी है हमको, 18 मिनट मारनी है, टाइम लिमिट है 20 मिनट मारना है, 25 मिनट है, तो 25 मिनट में अगर आप धीरे धीरे भी करोगे तो भी आदमी 15-20 दिन में दौड़ ले जाता है धीरे धीरे करके। लेकिन जिनका एवरेज मार्क्स है वो अभी से ही फिजिकल के लिए लगे हुए हैं या आरपीएफ के लिए फिजिकल के लिए लगे हुए हैं, आरपीएफ का फिजिकल थोड़ा सा वैसे है कि चलो 5:40 मांगता है, फिर भी अभी नहीं, एग्ज़ाम के बाद आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, वहाँ से आप अपने मैचिंग करेंगे, जब आंसर की आएगी तो देखेंगे कि हमारा कितना नंबर बन रहा है, तो वहाँ से आप तो उसके बाद तब भी रनिंग करेंगे तो भी आपको 1-2 महीने का समय मिल जाता है, तो भी आप जा करके वहाँ पे 1-2 महीने में आप रनिंग कर लेंगे, 5:40 मार लेंगे। लेकिन अभी ये कि अभी वैकेंसी आ गई है, अभी जूता पहन के ग्राउंड में जा रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो उसमें नंबर ही नहीं आ रहा है, तो उनके लिए नहीं सही है फिजिकल। अभी वो पढ़े और अच्छे से उसके बाद जा करके जब आप का नंबर अच्छा आने लगे, आपको लगने लगे कि नहीं आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, 80% क्वेश्चन आपके सही होने लगे मॉक टेस्ट में, तब जा करके आप उसके बाद आप हल्की हल्की एक वार्म अप टाइप की रनिंग कर सकते हैं, कि चलो वार्म अप आपका होता रहे, जैसे आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो किलोमीटर भर तो वैसे कोई चला जाता है, तो एक किलोमीटर का वार्म अप कर लीजिए। अगर आप वार्म अप भी करते रहेंगे तो भी आप देखेंगे आपका पैर थोड़ा सॉलिड हो जाएगा इतने दिन में, और ऐसे कि करते ही रहें रनिंग शुरू कर दिया अभी से, मॉक टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहे हैं, फर्जी की रनिंग कर रहे हो, तो फिर कोई आउटपुट ही नहीं निकलेगा आपका रनिंग करने का, क्योंकि आउटपुट तो पहले तब निकलेगा जब आपका फिजिकल एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम आपका मजबूत होगा, उसके बाद आपका फिजिकल का तो आउटपुट निकलेगा, नहीं तो ऐसे तो आप फिजिकल कितना भी मारते रहिए, बहुत लोग हैं बहुत अच्छी रनिंग कर लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम ही नहीं क्वालिफाई कर पाते। अब ऐसे तो आर्मी के जो तैयारी करते हैं लड़के उनके काफ़ी अच्छे फिजिकल रहता है लेकिन एग्ज़ाम उनके कम क्वालिफाई होते हैं, तो वो उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप दौड़ते रहो ग्राउंड में जा करके। तो पहले मॉक टेस्ट में देखिए अपना नंबर अच्छा लाइए, अगर उसके बाद फिर एक वार्म अप टाइप का स्लो स्लो करते रहिए 1/2 किलोमीटर 1 किलोमीटर का, तो भी आप सही। तो ऐसा धन्यवाद अमित भाई हमारे दोस्तों को बताने के लिए।